अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये आज का ये जो ट्रिप है ये सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो के हवाले से होने वाला है और आज हमारे साथ हैं मुश्तुबा एंड अरसलान। तो आज हमारी कंपनी होंगे ये और यही मुझे विज़िट कराएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है मैं तो सिंध का हूँ नहीं और ये दोनों सिंध यूनिवर्सिटी से हैं। तो आज इन दोनों को हम फॉलो करेंगे और देखते हैं फिर आगे क्या क्या होता है। तो चलते हैं फिर सफ़र की तरफ। हम लोग आ चुके हैं सीएल सेंट्रल लाइब्रेरी और ये लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं सिर्फ। अब ये क्या पढ़ते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो अंदर जाके? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी मेहनत करते हैं अंदर जाके। काफ़ी सारी कौन सी मेहनत बना रहे क्या बता हमारे? तो अभी एक स्टेचू है जो कि बच्चा है, हम कहते हैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी। ये सिंध यूनिवर्सिटी के स्टेचू ऑफ लिबर्टी के नाम से मशहूर है। मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा, और मुझे ऐसा लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़ता है ना तो वो ये शख्स है। आंधी हो तूफान हो। तो भाई अभी हम जा रहे हैं आईटी और आईटी में जाके कुछ पहले कैंटीन में जाके कुछ खाना पीना करेंगे क्योंकि भूख लग रही है। कोई नाश्ता वाश्ते करके नहीं है, हम लोग मुश्तुबा देगा हमें आज की नाश्ते की ट्रीट। आज हमारे आज मुश्तुबा की तरफ से हमारे लिए कैंटीन है आईटी में, और अब वहाँ भी चलते हैं देखते हैं ज़रा कैसी है। तो भाई अभी ये मुश्तुबा लेकर आया है यहाँ पे नाश्ता, और नाश्ते की आपको खासियत बताता हूँ। चम्मच आप देंगे कितना यूनिक दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा लगा ये। अलग चीज़ें थोड़ी और ये लेकर आया देंगे। ये मुझे ट्रीट दे रहा है यहाँ पे, बुला गया भाई कुछ देख कर तो लाता। चलो अब देखते हैं ज़रा खाना कैसा है। तो अब तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सिंध यूनिवर्सिटी का बताया जाए? ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, खाना ही खाया अभी तो, और ये बिरयानी टेस्ट कर रहे हैं अच्छी है। और दूसरा एक्सपीरियंस कैसे रहे आपके? बाकी दूसरा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा अच्छे हैं बिरयानी से, बेहतर है, अच्छी है, बेहतर है। तो ये मुश्तुबा की तरफ से दी गई है भैया मैं। बाकी ये कोल्ड ड्रिंक अरसलान ने मंगाई है, केड़ा चम्मच इन्होंने हमारे को दिया है स्पेशली, सीधा करा इसको। ये सौगात जैसे यूनिवर्सिटी के केड़ा चम्मच यहाँ पे सीधे नहीं मिलते। चलो खाना वाना खा लिया है और नाश्ता भी, नाश्ता के लो खाना के लो एक ही चीज़ है बिरयानी मुश्तुबा की तरफ से। तो अभी हम जा रहे हैं, अब हम लेंगे राउंड सब फैकल्टीज़ का और फिर आपको भी दिखाते हैं उन फैकल्टीज़ के राउंड्स, और ये दोनों को गाइड करेंगे आगे का कि कौन सी फैकल्टी में क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं और कितनी फैकल्टीज़ हैं सारी। आपको सिंध यूनिवर्सिटी का उसूल दिखाएंगे तो आप देखें उसूल, ये वाला उसूल नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये दूसरा उसूल है। चलो जो आर्किटेक्चर है इसका। चलो ये है कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ये भी काफी अच्छा बना, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पीरियोडिक टेबल्स, डॉक्टर एम ए काजी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री, ये बाहर निकलने एम ए काजी नाजरीन। और ये आ गया है मुश्तुबा का अपना डिपार्टमेंट, ये हमारा अपना डिपार्टमेंट मुश्तुबा का, आईटी डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिससे हर साल आईटी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें चार डिपार्टमेंट है। सब वाटर एंड फिशरीज, ये तो दिखाओ, ये दिखाओ ना पहले, ये वाला दिखाओ पहले, ये आपके जो है बाएं जानिब। और ये जूलॉजी का डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कौन सी वाटर, फ्रेश वाटर एंड बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी लगता है, यहाँ से सारे वाटर बोर्ड के बंदे निकलते हैं। ये है ऑफिस, ये ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी नेचुरल साइंस लैब। इसमें कौन सी हाई टेक है आप बताएंगे हमें, आप टेक्नोलॉजी से? यहाँ पर जितने भी जो हमारे PhD होल्डर हैं या PhD कर रहे हैं या फिर MPhil कर रहे हैं, वो यहाँ पे आके रिसर्च करते हैं। हमारे मशहूर है गोल गोल रानी डिपार्टमेंट इन द पानी, गोल गोल रानी की भाई क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, इसलिए इनको गोल गोल, इसलिए इसको गोल गोल कहते हैं। यहाँ पर जो शायद बंजर है, पानी नहीं है इस पर, ये शायद फेमस का डिपार्टमेंट है, फेमस का
फेमिनिस्ट का, फेमिनिस्ट जिसका नाम है जेंडर स्टडीज, और इसकी जो डायरेक्टर है वो भी फेमिनिस्ट है और फीमेल है। और ये है, ये है सेंट्रल लाइब्रेरी, अल्लामा इल्सा गाजी सेंट्रल लाइब्रेरी। हमने अपने चौथे बंदे को उठाया था जिसका नाम बाबर है। आप बाबर को भी देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में, बाबर हाथ हिलाते हुए। ये आर्ट्स एंड डिजाइन की फैकल्टी आ गई है। इसमें कितने डिपार्टमेंट है? जूडो आर्ट एंड डिजाइन है। इसमें चार डिपार्टमेंट्स हैं। चार डिपार्टमेंट। ये कौन सा है? ये है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। तो ये आ गया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल, अच्छा केमिस्ट्री का। ये भी प्लांट एंड साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट एंड साइंस वहाँ से ले चुके। और ये आ गया है मास कॉम डिपार्टमेंट, मास कम्युनिकेशन फुल फॉर्म, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, गोल कैंटीन है। अभी हम जा रहे हैं आर्ट्स फैकल्टी, और आर्ट्स फैकल्टी के बारे में बड़ी तारीफ कर रहे हैं ये लोग, तो अंदर जाके देखते हैं आर्ट्स फैकल्टी कैसी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट इसी जगह पे जमा है। जब आपको आगे पता चल जाएगा जैसे आर्ट्स फैकल्टी के बारे में कितने डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर, कितने तो ये सामने लिखा हुआ है। चलो हमने 400 में पढ़ा, हमें नहीं पता कितने। कैफेटी एरिया, चलो चलो फोटोग्राफी भी कर लो। तो ये गार्डन है इसका, अच्छा बना हुआ यार वैसे। दिल गार्डन गार्डन है और ये मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद भी प्यारी सी बनी हुई। और बाबर अब शूट लेगा। इस जगह पे से जो है ना यूनिवर्सिटी के सारे पॉइंट्स निकलते हैं। और पॉइंट की टाइमिंग क्या है? मतलब पॉइंट्स की टाइमिंग डिफरेंट है, 11 बजे से लेके 12:30 तक फिलहाल। मतलब एक फिक्स टाइम नहीं है कोई? नहीं। अच्छा तो C2 इधर होता क्या है? सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है यूनिवर्सिटी की, सारी जितने मामला थे कॉलेज यूनिवर्सिटीज के डिग्री वगैरह पास सर्टिफिकेट, और इनके माय बाप भी। मतलब एक किस्म से देख लो तो एड भी नहीं है। हाँ, एड लोग कह सकते हैं। ये है हमारा PCB ग्राउंड, वो पी सी बी ग्राउंड नाम भी लिखा हुआ उसका। तो ये था कुछ छोटा सा विजिट, छोटा तो नहीं 10 मिनट का बन गया। लेकिन थोड़ा बहुत हमसे जितना भी हो सका हमने आपको दिखाया, और आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।